मुंबई, चलती फिरती सड़कों पर दौड़ती भागती जिंदगी, जगह कम लोग ज़्यादा, हर जगह यही हाल। बड़े शहरों में लोग आते हैं अपने सपने साकार करने, मेहनत करते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ करते नहीं, बस सब कुछ हवा में। हमारी कहानी भी ऐसे ही लोगों की है जो बातें करते हैं पर काम नहीं, और ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं फोकटिए। आइए देखते हैं इनकी कहानी फोकटिए। ये दिनेश काम धंधा कुछ करता नहीं क्योंकि अपने आप को एरिया का भाई समझता है। और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया आपकी दुआ से। चल एक सिगरेट दे भाई, पहले के पैसे। अरे यार तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होना तो बिंदास याद करने का, आधी रात को भी तू फोन करेगा ना तो तेरी मदद को आऊंगा मैं। जी भाई, आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर यार वो अभी याद नहीं आ रहा है, चल ना सिम लेता हूँ ना तो देता हूँ। अरे नंबर यार, अकेले को पीट रहे आप, खड़े खड़े देख रहे हैं। वो क्या है ना यार, आज थोड़ा थक गया हूँ, वरना अकेला इन सबको मैं। तू समझ गया ना? समझ गया पट्टू साला। यह जान बेहद शांत और हाँ अंग्रेजी में बात करता है और मुफ्त में सुझाव भी देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्या कह रहा था, शक्ल देखी है इसकी? ये इतना सीधा है कि मानो साक्षात शांति के दर्शन हो गए। शांति, यू नो पीस, PIECE, पीस। तो बेटा इफ यू कम्स एवरी डे आई लर्निंग इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश सो डैट यू कम एंड थोरोली लर्निंग इंग्लिश। ऑलवेज लीव फॉर अदर्स। व्हाट आर यू डूइंग? अपने तो कहा था लीव तो छोड़ रहे। लीव, लीव मतलब दूसरों के लिए जियो, एलिए भी जियो और जीने दो। ओके, गॉड ब्लास्ट यू। तो ये हमारे दूसरे फोकटिए जान, इन्होंने एमए इंग्लिश किया है हिंदी मीडियम में। ये सूरज निहायत भोले भाले,
इनके पैदा होने के बाद भगवान ने भोले भाले लोग बनाने ही बंद कर दिए हैं। ये भी बेरोजगार हैं बाकी दोनों की तरह, और ये भी फोकटिए हैं बाकी दोनों की तरह। मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनो, मैं वापस इधर आएगा ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जो बोलना है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे आके बोल। ग्राउंड फ्लोर पे आऊं? हाँ। बोल। चाहू तो मैं भी आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया है। मैं बुजुर्ग? मैं बुजुर्ग? हाँ। साला आदमी भी चाइनीज, शक्ल भी चाइनीज, बातें भी चाइनीज कर रहा था। जब सब कुछ चाइनीज में चल रहा था तो हिंदी में गाली देने की और मारने की क्या जरूरत थी। तो ये है हमारी कहानी के तीसरे फुकटिए, बेहद भोले और कभी गुस्सा न करने वाले सूरज। ये दिनों साथ ही रहते हैं इतना तो आप लोग समझ गए होंगे भैया। चक्कर क्या है कि इनके नटूरे, मेरा मतलब है नेचर अलग अलग है, आदत अलग अलग है, लेकिन दोस्ती पक्की है। तीनों अपने घर वालों से दूर या मुंबई में रहते हैं काम की तलाश में। अब आपने देख लिया है काम क्या करते हैं, और अब आप सोच रहे होंगे कि इनके खर्चे कौन चलाता है। तो जी हाँ, इनकी कहानी का चौथा किरदार भी है जीतू। जीतू इनका पक्का यार है और अच्छा खासा काम भी कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके खर्चे भी चलाता है। यारों का यार है, बढ़िया सैलरी है, इन ऑल लाइफ इसी की सेट है, सस्ते के जुगाड़ में सब मिलजुल कर रहते हैं। आइए देखते हैं इनकी कहानी फोकटिए। और ये कमरे का क्या हाल बना के रखा है? अरे साले, आखिरी बार को ब्रश की थी। I had not done brush, then you could not sleep. जीतू भैया आए, हमारे लिए क्या लाए? अबे, हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, कभी तुम भी तो कुछ लाया करो यार। आपने हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकारा है, मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कब का घर छोड़ के चला जाता? जी तो भाई, आप टेंशन मत लो, दो तीन दिन में सर ठीक कर दूंगा मैं। देखो पानी अब सर के ऊपर से निकलता जा रहा है, और जब पानी सर के ऊपर से निकलता है ना तो सर पानी के ऊपर लेना चाहिए, नहीं तो पानी नाक में घुस जाता है। अबे चल उठ बे। अरे यार तुम लोग मराठी हो, मराठी में बात क्यों नहीं करते? अरे अगर मराठी में बात करेंगे तो तुझे क्या समझेगा? वैसे भी अपनी वेब सीरीज हिंदी में है, जो मराठी में बनाएंगे तो बोल देंगे मराठी डायलॉग, लेकिन तुझे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुझे मराठी आती कहाँ है। अबे नीचे नीचे। जीतू भाई, हाँ, हजार रुपए देंगे क्या? हजार रुपए? हाँ। हजार रुपए क्यों बे? वो क्या है कि आज मंगलवार है ना। तो क्या हुआ, कल सोमवार था, परसों रविवार था। हाँ। और हम लोग बाहर गए थे, हम लोगों ने चिकन खाया था। हाँ यार, क्या मस्त चिकन था ना। हाँ सच में। और चिकन के साथ हम लोगों ने रोटी खाई थी, रोटी के साथ बटर लगा हुआ था। हाँ वो याद है? याद है, पैसे तो आखिर मैंने ही भरे थे ना। हाँ। अबे सूखे ब्रेड, लेकिन तू क्यों मुझे बटर लगा रहा है? वो क्या है कि आज भांगड़ू बाबा को चढ़ावा चढ़ाना था। हट हट बक बक ऐसे बक हट।
बांगड़ू बाबा 1000 रुपए तो लेते हैं, लेकिन काम लाखों का होता है। मेहनत तुझे खुद करनी पड़ेगी, वो बांगड़ू बाबा कुछ नहीं करने वाला। मुझे बांगड़ू बाबा का आशीष जरूर मिलेगा। अब लगता है मुझे भी सोना पड़ेगा। क्या यार, जय बांगड़ू बाबा, जय बांगड़ू बाबा, जय बांगड़ू बाबा। शांति शांति, बोलो क्या उलझन है बाबा? मुझे कई दिनों से काम नहीं मिल रहा है। आई नॉट फाइंड एनीवेयर वर्क एवरीवेयर। निकट आओ पुत्र। विपदा है, भूरा कुत्ता कब देखा था? भूरा कुत्ता? भूरा कुत्ता तो बाबा हम लोगों के एरिया में है ही नहीं, क्योंकि सब म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के लेके गए। भूरे कुत्ते को खोज। जब भूरा कुत्ता अपनी भूरी टांग उठाकर किसी भूरी जगह पर सुसु करे, तो उसे अपने भूरे भूरे हाथों से एकत्रित कर पूरे शरीर पर छिड़क लेना, उलझन दूर होगी। जय बांगड़ू बाबा, जय बांगड़ू बाबा, जय बांगड़ू बाबा। आओ पुत्र, आशीष ग्रहण करो। अरे यार, भूरा कुत्ता ढूंढते ढूंढते कुत्ते की तरह भटक रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में लोग हमें रोटी देने लगेंगे। अरे यार, वो देख भूरा कुत्ता। चल पीछे चलते। हाँ चल पीछे चलते, संभल के। क्यों? हमें पता है कि वो कुत्ता है। हाँ, लेकिन कुत्ते को पता नहीं कि वो कुत्ता है। अच्छा, वो तो हमें कुत्ता समझ रहा होगा। तू चुप रहे, लेट मी फॉक्स। फॉक्स? फॉक्स का भाई, हम तो कुत्ता ढूंढ रहे। फॉक्स का मतलब है ध्यान देने दे। ओ, मतलब फोकस। यस। चलो। अनुगूंज मीडिया यूट्यूब चैनल लेकर आया है मेरी न्यू वेब सीरीज, जिसका नाम है फोकटिये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।